हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। भगवान शिव को जो नमस्कार मंत्र है उससे मैं शुरू करता हूँ, फिर आपका सवाल लूंगा। ओम नमः शंभवाय च मायो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय। एक प्रश्न आपका मिला है परमेंद्र प्रजापति, इन्होंने लिखा है, गुरुजी कल से श्रावण सोमवार शुरू हो रहे हैं, आपसे निवेदन है कि पूजा की विधि रुद्राभिषेक में उपयोग होने वाले पदार्थ के बारे में बता दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। परमेंद्र जी, जैसे और भी बहुत सारे हजारों लोगों के सवाल हमारे पास आते रहते हैं, और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अभी कल से शुरू हो जाएगा, और ये बड़ी शुभ बात है कि इस बार जो श्रावण है वो जो पहली तिथि है वो सोमवार को ही पड़ रही है, और शिव की पूजा का श्रावण मास में महत्व बहुत ज़्यादा है, आप जानते ही हैं। लेकिन ये ऐसे छोटे से उसमें आप इतना समझ नहीं सकेंगे इसको, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने अपने लिए पूछा है, तो घर के आसपास में कोई शिवालय हो वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ आप अगर दही घर में उपलब्ध है तो दही से अगर लिख सके, ओम बना सके शिवलिंग के ऊपर तो बहुत अच्छा है, या चावल थोड़े से ले जाएँ वो आप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपके किसी प्रकार की दरिद्रता या घर में कलह कलेश या बीमारियाँ को आवास है तो एक सरसों के तेल का दीपक आप लिंगम पर प्रदीप्त करते रह सकते हैं जितने दिन हो सके। चार सोमवार इस बार पड़ रहे हैं, कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष मिला करके, तो उसमें आप रेगुलर कर सकते हैं, और शिवरात्रि तक दो सोमवार पड़ेंगे तो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता था कि आप इसमें एक काम और करें, आप बहुत ज़्यादा लोगों पर आश्रित भी ना रहें, और अभी सिचुएशंस ऐसी हैं ये लॉकडाउन में और कोरोना के समय में कि बहुत ज़्यादा आप को प्रीस्ट और पुरोहित भी नहीं मिल पाएंगे, और कई बार आप ऐसी जगह पर जा भी नहीं पाएंगे और वह ऐसी चीज़ें हो भी नहीं सकेंगी। तो ऐसे में सूक्ष्म से सूक्ष्म विधि जो आप कर सकते हैं वो आपको कर लेनी चाहिए। आप घर में अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दो दो चावल जोड़े के चावल लेना, उन चावलों को एक तरफ रखते जाएंगे, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए और चावलों को रखते जाइए, और जब शिवरात्रि जिस दिन है उन चावलों को ले जा करके या तो किसी शिवालय में शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए या किसी जल प्रवाह कर दीजिए, परमात्मा भी इस बात से भी, इस विधि से भी आपके प्रसन्न होंगे। साधारण सी ये विधि है, ये आप कर लीजिए। शुद्धता का ध्यान रखें, मन वचन कर्म की शुद्धता रखें। इन अब जो ये काम शुरू हुआ चातुर्मास में, और खासतौर से जो ये समय शुरू होता है श्रावण मास में, इसमें भगवान शिव की ही पूजा होती है, विष्णु की पूजाएं प्राय कम हो जाती हैं, तो ये ध्यान आप रखें। नमस्कार मंत्र प्राय सभी लोग याद कर लें, जो मैंने प्रारंभ में बोला था, छोटा सा मंत्र है, आप उसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप मोक्ष के लिए, सत्वता के लिए, शुद्धि के लिए मंत्र का जाप करते हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर अपने जीवन में सब कुछ सकारात्मकता के लिए करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। लेकिन अगर आपकी कोई डिमांड है, आपकी कोई मांग है, तो आप फिर शिवाय नमः का जाप करें। ओम लगाने से प्राय सभी मंत्र मोक्ष के कारक होते हैं, उनकी सर्टेनिटी नहीं होती कि उसका परिणाम आपको कब मिलेगा, वो मोक्ष के कारक होते हैं, प्राय अगले जन्म में भी काम आते हैं, और कभी कभी वो हमारे जीवन में आपको पता नहीं चलता किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनकी अवधियां दीर्घ हो जाती हैं क्योंकि सात्विकता में चले जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं, ओम जिस भी मंत्र के आगे लगता है। तो अगर आप पूरी तरह मन से संतोष से भरे हैं, आपके मन में पूरी तरह से शांति सुख और आनंद और उत्सव है, तो आप उस तरह के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किसी प्रकार की कोई डिमांड है, जो प्राय मैं देखता हूँ अधिकतर लोगों के सवालों में और उनसे परस्पर चर्चाओं के दौरान मुझे इस बात का पता चलता है कि हम मानवीय जीवन में आए हैं तो किसी न किसी दुविधा, किसी न किसी समस्या में हम फंसे ही रहते हैं, उस समस्या से मुक्ति का मार्ग अगर खोजना है तो आपको फिर ओम मत लगाइए, फिर आप शिवाय नमः लगाइए। क्या होता है कि गुरु जो हैं वो बड़े गुरुता के कार्य करते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जिससे वो सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट में जाता है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, जो हम रहस्यों के रहस्य की बात करते हैं। तो आप वहाँ शिवाय नमः का पाठ करेंगे और शिवाय नमः से ही माला जपेंगे और शिवाय नमः का ही ध्यान करेंगे। रुद्राष्टाध्यायी, रुद्र की पूजा के 8 अध्याय को रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं, रुद्री पाठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक छोटी सी पुस्तक आती है, ले लीजिए, रणधीर प्रकाशन ने छापी है, बहुत सारे प्रकाशकों की, लेकिन इनकी पुस्तक ठीक है, सामान्य है, ज़्यादा आप चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हिंदी के साथ साथ उसमें अनुवाद दिया है, 150 रुपया इन्होंने इसमें मूल्य लिखा हुआ, जितने की आपको जहाँ से मिले आप देख लीजिए। रुद्राष्टाध्यायी करके इस तरह की ये पुस्तक एक आती है,
ये आप ले लें, और इसमें पूजा की क्या क्या वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी उस सब का एक विस्तार से वर्णन है। जितना कर सके उतना ही करना, बहुत ज़्यादा भी मत अपने जान को कर लेना कि आप कर भी ना पाएँ, और मन में फिर उससे एक वहम आता है, मन में फिर एक दरार आती है, मन में फिर आपके संकोच बना रहता है कि पता नहीं अच्छा किया कि नहीं किया। सूक्ष्म से सूक्ष्म विधि को अपनाएं, क्योंकि इन दिनों आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ये आप ध्यान कर लें। और आपने पूछा है तो इसमें विधि लिखी है, पूजा की वस्तुएँ लिखी हैं, आपको मोटा मोटी तौर पर बता देता हूँ कि जैसे धतूरे के पुष्प हैं, और जो श्वेत रंग के पुष्प हैं वो चढ़ते हैं, वो शिव को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। चावल, दही, दूध, शर्करा, शक्कर, बूरा, खांड, बताशे, मखाने, खीर और केसर से संबंधित चीज़ें और दूध, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप किसी प्रकार के, जैसे मैंने कहा कि किसी असाध्य रोग से गुजर रहे हैं, तो सरसों के तेल का से भी पूजा होती है, सरसों के तेल से अभिषेक भी होता है। सब लोग करेंगे नहीं, लेकिन देखिए अगर रुद्राभिषेक की बात आपने की तो रुद्राभिषेक 3 से 6 घंटे में होता है, इससे कम में नहीं होता। नमक चमक के पाठ से कराना, हर पाठ के बाद नमक चमक का पाठ पढ़ना होता है। हर पाठ पढ़ते हैं, फिर पंचम अध्याय हम पुनः पुनः पाठ जाप करते हैं, जो जानते हैं। प्राय लोग इसको जिम्मेदारी लेते नहीं हैं, 2 या 3 4 पृष्ठ मिलकर के इसको कर पाते हैं, अकेले लोग ज़्यादातर कर भी नहीं पाते हैं। कठिन पाठ होता है, अधिक मंत्र होते हैं, इसमें पूरा प्रेशर आता है करने वाले के ऊपर भी। तो धीरे धीरे तो व्यवस्थाएं ऐसी करें कि स्वयं ही चीज़ों को करना प्रारंभ करें, बहुत डिपेंड ना रहें, तो उसमें शुद्धि अशुद्धि के जिम्मेदार भी आप स्वयं होंगे और आपको लाभ भी उसके ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो अगर किसी से करा रहे हैं और आपके घर पर आकर कोई आचार्य करने के लिए इच्छुक हैं और सहमत हो जाते हैं, तो उनसे शिवालय की ही पृष्ठ को लीजिएगा, जो शिवालय में काम करते हैं, किसी भी मंदिर के नहीं। ध्यान रखिएगा कोई गुटखा, तंबाकू, पान, सुपारी ना खाते हों, मंत्र में दोष उत्पन्न होता है, उसका लाभ आपको नहीं मिलता है। ठीक हो उनका आचरण, खाते पीते ना हो, ये भी रखिएगा, लाभ ज्यादा मिलेगा आपको, वरना लाभ मिलते नहीं है। हमें लगता है कि हम सब कुछ करा रहे हैं, कुछ नहीं प्राप्त होता है। अगर आपने 5 वर्ष, पहले वर्ष दूध से, दूसरे वर्ष दही से, तीसरे वर्ष गन्ने के रस से, चौथे वर्ष सरसों के तेल से, और 5वें वर्ष आपने पुनः दूध और दही और सबके मिश्रण से, ये 5 साल अगर आपने रुद्राभिषेक करा लिया या कर लिया, तो आपके जीवन में आप समझिए कि आपने ग्रहों में एंटीबायोटिक का एक टीका लगा दिया है। आपके ग्रह जो प्रतिकूल थे सब आपके अनुकूल होने लगेंगे, और आपके जीवन में सब वो होने लगेगा जिसके लिए आप अब तक प्रतीक्षारत थे। जिन लोगों को इन चीज़ों में विश्वास नहीं है, वो इससे आगे का वीडियो देखें भी नहीं, वो यहीं से किसी और दूसरी जगह चले जाएं जहाँ से उनका मनोरंजन हो सकता है, उसको देख लें। क्योंकि ये तो अनुभव की चीज़ है, ये तो स्वांते सुखाए है, ये तो आप करेंगे तो ही जानेंगे। अब जो गूंगा क्या बताए, मीठे का गुड़ का स्वाद है कैसा, तो गूंगा खात जात और मुस्कात जात, तो गूंगे की विद्या है ये, तो जब आप करेंगे तभी इसको समझेंगे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बातें ऐसे अवसर पर आती हैं जो प्राय हमें सवालों के रूप में प्राप्त होती हैं, कि साहब इतना दूध हम शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, इतनी दही हम वहाँ चढ़ाएंगे, किसी गरीब को थैली, ये सब प्रपंच है, इसमें कुछ नहीं रखा है। जो ये बातें करते हैं वो एक भी थैली, वो अपने घर में तो थैली लाते नहीं है, गरीब को बांटेंगे, एक आदमी नहीं मिला। मैं ढूंढ रहा हूँ पिछले 20 सालों से कि मुझे एक आदमी ऐसा मिल जाए जो ये उपदेश देता है कि वो किसी गरीब को जाके थैली देता हो, ये कुछ नहीं है। ये आपको आपके धर्म से विलग करने का, पृथक करने का, अलग करने का, विमुख करने का एक षड्यंत्र है, उपाय है जिससे आप होते हैं। ध्यान रखिएगा अपने जीवन में शुद्ध आमदनी से, शुद्ध आय से, प्राप्त स्रोत द्वारा, धनोपार्जन से जो भी कार्य आप करते हैं वो 1000 गुना होता है। आप एक दूध की थैली देते हैं, आप हजारों गुना दूध की थैली का के पात्र बन जाते हैं। तो जी यहाँ ये अभिषेकम होते हैं, वह जलहरी के नीचे, वो नाली में नहीं बहता है दूध, जो जिस तरह से लोग बात करते हैं, उसके नीचे हजारों करोड़ों कीट पतंगे, छोटे छोटे जीव जंतु उसका भक्षण करते हैं, तो वो सामूहिक भंडारा हो जाता है उन सबका, उससे बड़ा पुण्य और बड़ा लाभ मिलता है आपको। जीवन में इतने लोग, इतने प्राणियों को एक साथ आप कभी भोजन नहीं करा सकते हैं जो आप करा देते हैं। कुछ भी समझ नहीं आता है, आप जब इन चीज़ों का त्याग शुरू करेंगे, जो चीज़ छोड़ते हैं वो सोने की हो जाती है। इसीलिए तो दान का, तप का, इन चीज़ों का इतना महत्व तो हमारे शास्त्रों में और हमारी प्राचीन विधियों में है। तो आप ज़्यादा उलझाव ना करें, अपने घर में किसी एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, वहाँ भगवान का ख्याल करें, शुद्ध गाय के घी से प्रदीप्त एक दिए को रखें, उस दिए के सम्मुख आप नमः शिवाय का जाप करते रहें, अगर कोई इच्छा है तो, इच्छा नहीं है तो हम नमः शिवाय का जाप कर लें। आप शिव से संबंधित बहुत सारे मंत्र हैं उनका पाठ कर सकते हैं, जो वैदिक व्यवस्थाएं हैं उनमें भी अगर आप शांति प्रकरणम के मंत्रों को देखेंगे तो मंत्र संख्या 24 से लेकर के 31 तक के सब रुद्राष्टाध्यायी से ही लिए गए हैं,
वहाँ भी काम चला नहीं है, वहाँ भी हमें वो मंत्र लेने पड़े हैं। जहाँ हम मूर्ति पूजा का और सब चीज़ों का निषेध करते हैं, वहाँ भी हमें शिव को हम छोड़े बिना हमारा काम हो नहीं सकता है। देखा, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। ओम यज्जाग्रहतो हो दूहूर मुदये ति दैव तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। इस मंत्र से प्रारंभ होता है और अंत तक अभयम नकंतरक्षभयम वहां तक जाता है। ये सारे मंत्र रुद्राष्टाध्याय से लिए गए हैं जो भगवान शिव से ही संबंधित हैं। तो इस बात को समझिए, उलझन में मत पड़िए, दिस वे एंड दैट वे, इधर रहिए या उधर रहिए। देखिए, भगवान शिव का एक नाम अनिश्वर भी है। अनिश्वर कहते हैं कि जो परमात्मा को मानता नहीं है उसका भी कल्याण शिव ही करते हैं। जो जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता उसका जीवन भी अगर संचालित हो रहा है और वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उसकी वो उसके पर भी कृपा दृष्टि भगवान शिव की ही है, क्योंकि वो शिव संकल्प मस्तु सबके कल्याणकारी हैं। शिव कहते हैं जो सबका शुभ चाहता हो, जो सबका कल्याण करने वाला हो। शिव का तात्पर्य ही यह है, शिव का शाब्दिक अभिप्राय ही ये है कि जो सबके जीवन में शुभत्व का उदय करने वाले हों। तो जो आप कर सके उसको करें, पूरे मनोयोग से करना, पूरे शांत मन से करना और पूरे धैर्य आस्था विश्वास से करना। आपके जीवन में निश्चित रूप से चमत्कार होगा और मिरेकल होगा। अब इस बात का ख्याल रखिएगा, शिव से संबंधित शिव सहस्त्र नाम हमारे इसी चैनल पर पड़ा है और भी बहुत सी स्तुतियाँ पड़ी हैं। आप उनको लगा लें, चला लें, बैठ कर चावल चढ़ाते रहें, फूल चढ़ाते रहें, जो कर सकते हैं उतना कर लें। बाकी आगे आने वाले और संदर्भों में और अंकों में मैं आपको शिव से संबंधित और विस्तृत व्याख्याएं और छोटे उपायों से लेकर बड़े उपाय तक के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। ओम स्वस्ति अस्तु।